सिंगरौली जिले में लगातार कंपनियों की लापरवाही से मौतों का सिलसिला जारी है। जिले के कचनी विष्णुसरिया शटरिंग दुकान के सामने के स्पंज कंपनी के द्वारा किए गए पाइपलाइन के लिए गड्ढे में सफाई कर्मी सफाई के उद्देश्य से गए, जहां कुल 3 सफाई कर्मी गड्ढे में गिर गए। मौके पर मौजूद प्रशासन बड़ी संख्या में उपस्थित रहा, वहीं पर काफ़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। मौके पर प्रशासन बड़ी संख्या में वहां पहुंचा और वहीं काफी संख्या में क्षेत्र के लोग भी पहुंचने लगे। पूरा क्षेत्र सनसनी मच गई। कुल 3 घंटे बीतने के बावजूद भी गटर में गिरे युवकों को निकालने के लिए नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन इक्विपमेंट नहीं उपलब्ध कराया गया। वहीं पर उपस्थित SDM के द्वारा CISF फोर्स को बुलवाया गया, जो अपनी जान जोखिम में डालते हुए गटर में गिरे 3 सफाई कर्मियों को निकाला और प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। यहां हॉस्पिटल में भी क्षेत्र के लोगों की एवं प्रशासन की भीड़ देखने को मिली। आश्चर्य वाली बात यह है कि जिले में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और नगर निगम के पास किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहती। सेफ्टी के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी अपने आप को हर मामले में महान साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आखिर इस हादसे ने कर ही दिया नगर निगम का चेहरा बेनकाब। घटना को देखते हुए क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि बिना किसी सुरक्षा उपकरण की संविदा कर्मियों के मिलीभगत से सफाई कर्मियों को मौत के मुँह में डाला गया। सवालों के घेरे में जनप्रतिनिधि सेफ्टी से जुड़े सवाल पूछने पर भागती नजर आई सांसद। इतने बड़े हादसे को लेकर देश का चौथा स्तंभ जिसको पत्रकार कहा जाता है, हादसे को लेकर सवाल ट्रॉमा सेंटर में उपस्थित जनप्रतिनिधि सांसद से पूछना चाहा, तो जहां पत्रकारों ने सवाल किया इतने बड़े हादसे होने को लेकर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं दिखी, तब सांसद महोदया सवालों का जवाब देने के बजाय भागती नजर आई। आखिर एक सवाल के जवाब देने के बजाय आखिर चेहरे पर इतनी चुप्पी क्यों? मध्य प्रदेश सिंगरौली से RK शर्मा की रिपोर्ट। आधे घंटे से अधिक हो गया जो कि सीवरेज लाइन में गिरा हुआ है 3 आदमी, जो कि 3 मौत के मुंह में खड़े हुए हैं। बताइए कितने घंटे से काम चल रहा है यहाँ पे? 2-3 दिन से। ये गिरे कब, कितने घंटे बाद गिरे? 1 घंटे में 3 आदमी एक बार गिरे हैं? एक बार नहीं, पारी पारी गिरे हैं। काम करते समय गिरे हैं कि कुछ भूल चुक से गिरे हैं? भूल चुक से गिरे हैं। और यहाँ देखभाल में कौन है साहब, मुंशी अधिकारी खान साहब का पूरा नाम बताए? ये अभी गिरे हुए कितने घंटे हो गया?